भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमा निरंजन ने सपा प्रत्याशी को हराते हुए भाजपा का परचम लहरा दिया। झांसी ललितपुर जालौन स्थानीय प्राधिकारी MLC सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमा निरंजन ने सपा प्रत्याशी को हराते हुए भाजपा का परचम लहरा दिया। झांसी के बुंदेलखंड महाविद्यालय परिसर स्थित कोठारी हाल में बनाए गए मतगणना केंद्र पर शुरू हुई वोटों की गिनती में बीजेपी प्रत्याशी को 2092 मत मिले, जबकि सपा प्रत्याशी श्याम सुंदर सिंह यादव को कुल 1513 वोट मिले। सुबह से शुरू गिनती के बाद बीजेपी प्रत्याशी ने शुरुआती दौर से ही बढ़त मानते हुए बड़े अंतर से सपा प्रत्याशी को हरा दिया। रमा निरंजन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, वे सरकार की नीतियों के अनुसार विकास कार्य गांव शहर में करेंगे। हमने 672 वोटों से विजय प्राप्त की है। मैं सभी को, ग्राम प्रधान भाइयों को, BDC भाइयों को, पार्षद भाइयों को, जिला पंचायत सदस्य भाइयों को, विधायकों को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं अपने बड़े नेताओं को भी, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया था, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं जो हमारे आगे की जो नीति होंगी कार्य करने की सरकार की, मैं उन्हीं के अनुसार गांव में विकास करूंगी, नगर में विकास करूंगी। प्रधान भाइयों के माध्यम से मैं हर ग्राम में, क्षेत्र में विकास कार्य करूंगी। 2080 मुझको मिला है, 2086 मुझको मिला है, और हमारे विपक्षी को 1500 वोट मिला है। ठीक है।